Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में भ्रमण पर निकली सनातन यात्रा 17 दिसंबर को मेरठ से होकर गुजरेगी। कथावाचक पंडित शिवाकांत महाराज द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में यह सनातन यात्रा निकाली जा रही है। कानपुर जिले से शुरू हुई सनातन यात्रा का शुभारंभ यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा द्वारा किया गया था। मेरठ में बिजली बम्बा बाईपास स्थित भड़ाना फार्म हाउस से सनातन यात्रा प्रारंभ होगी। भारतीय सनातन संस्कृति से भटके लोगों को पुनः सनातन की तरफ जागृत करने के उद्देश्य से यह यात्रा निकाली जा रही है। इस आशय की जानकारी कथावाचक पंडित शिवाकांत महाराज ने मेरठ में मीडिया को दी। देखिए, द्वारा सनातन यात्रा निकाली जा रही है, जो भारतीय सनातन संस्कृति से दूर हो रहे हैं उनको भारतीय सनातन संस्कृति के प्रति जागरूक करना, उनको भारतीय सनातन संस्कृति के प्रति बताना। अभी हम इंग्लैंड गए थे 27 दिन के प्रवास में, वहाँ पर जगह जगह कई जगह सनातन यात्राएं निकाली और सनातन से लोगों को जोड़ा। इसी उद्देश्य से 25 नवंबर को कानपुर नगर से सनातन यात्रा का शुभारंभ पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के द्वारा एवं कई कैबिनेट मंत्री, कई माननीय सांसदगणों के द्वारा शुभारंभ कानपुर नगर से हुआ। उसके बाद यात्रा महोबा गई, झांसी भ्रमण करते हुए मेरठ की धरा पर 17 दिसंबर को बहुत विशाल सनातन यात्रा, हजारों गाड़ियों के रहेंगी, दो पहिया वाहन भी आगे रहेंगे, सनातन का ध्वजा लहरा रहा होगा, पूरा मेरठ उस दिन सनातन में दिखेगा। बाद एक एक करके अलीगढ़ जाना, बुलंदशहर, सब पूरे 75 जिलों में भ्रमण करेगी, गोरखपुर, अयोध्या, सब जगह जाएगी। कब समापन होगा इसका, कब तक चलेगी? अब ये चलती रहेगी जब तक, पहले तो उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में भ्रमण करेगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश का जब पूर्ण हो जाएगा तो अन्य प्रांत में शुरू हो जाएगी। भारत, संपूर्ण भारतवर्ष में ये सनातन यात्रा जाएगी और अगले वर्ष यही सनातन यात्रा इंग्लैंड में, इंग्लैंड के प्रत्येक जिलों में मतलब सनातन यात्रा निकलेगी। फिर दूसरा देश, सारी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, उसकी सब जुटा रहे हैं। हमारे सनातनी यहाँ से भी कुछ जाएंगे, वहाँ जो सनातनी हैं उनको हम लोग एकत्रित कर रहे हैं और हुए हैं। तो जब लोग जान रहे हैं कि हमारी भारतीय सनातन संस्कृति तो ऐसी है, प्रातकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नामो माथा आयुष मांग करे गुरु काजा देख चरित हरसई मन राजा। प्रातःकाल बालक उठता है माता पिता को प्रणाम करके और पिता से आज्ञा मांग करके तब कोई काम प्रारंभ करता है। इंग्लैंड में बच्चा बड़ा हो जाता है, माता पिता को छोड़ देता है, वहाँ का कल्चर, वहाँ की संस्कृति दूसरी है। जब वो लोग हमारी भारतीय सनातन संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं तो हमारे भारत में रहने वाले, मेरा चुनाव से कोई मतलब नहीं है, ये विशुद्ध सनातनी यात्रा है और सनातन को लेकर के हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, यदि किसी ने जो टिप्पणी करते हैं, कंस ने भी यही किया था, मूलम ही विष्णु देवानाम यत्र धर्म सनातन तत्सचा ब्रह्म को विप्र तपा यज्ञा सदर्शन, उन्होंने भी कहा था सनातन धर्म का ह्रास करो, भगवान विष्णु को नष्ट करो, सनातन की मूल जड़ है साधु ब्राह्मण गाय इन सबका नष्ट करो। तो वैसे ही कंस के वंशज कुछ लोग हैं जो सनातन का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उससे वो कुछ होने वाला नहीं है, जो सनातन का नुकसान करेगा उसी की क्षति होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।